surrender satyakand vagere sare cheeze bol rahe hain yes sir yahan par ab bharat chhodo andolan hai na yes sir krishna mission 1942 mein aaya tha कृष्ण मिशन के तीन उद्देश्य, हालांकि ये संविधान में हमने आपको बताया, उसका पहला उद्देश्य था कि हम पूरे भारत को एक संघ कैसे बनाएं, संविधान सभा का निर्माण कैसे करें, ओके। लेकिन वो फाइनली क्या हो गया, फेल हो गया। और 1942 में एक और आंदोलन आया जोरदार तरीके से, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? तो ये चीजें हो गई। अब भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या है? 8 अगस्त 1942। ये शुरू फाइनली हो गया था 9 अगस्त से। कब हो गया था? अरे क्लियर है? चलिए अब देखें, कांग्रेस ने जो बंबई अधिवेशन किया था, कौन सा अधिवेशन? ओके। जबकि याद हो असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था नागपुर अधिवेशन, क्या? और भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया बंबई अधिवेशन, ओके। चलिए 1942 को शुरू हो गया इसी आंदोलन। गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का सुनाई नहीं दिया, क्लियर है? कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन 1942 में प्रस्ताव पारित, भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा एक बात और, बंबई में हुआ था रेगुलर अधिवेशन जबकि वर्धा में हुआ था स्पेशल अधिवेशन, ओके। हमने आपको कांग्रेस के दोनों अधिवेशनों के बारे में बताया है, एक जनरल और रेगुलर अधिवेशन अलग थे, स्पेशल अधिवेशन अलग थे। देखें मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, आपको याद हो और मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 में बने नहीं बने हैं, तो रेगुलर कहां तक रहे हैं, ओके। देखे अब यहां पर आ गया क्या, कैबिनेट मिशन, क्या आ गया है? अभी हमने आपको जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ाया, अभी महात्मा गांधी का चैप्टर आने वाला है वहां पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया है? 1940। इसको भी दो तीन काम करना, पहला काम करना है भारत के लिए संविधान सभा बनाना, भारत का संघ बनाना, अरे क्लियर है? और ये फाइनली सक्सेस हो गया। देखें जरा कितने सदस्य थे, मुख्य भारतीय संघ की स्थापना, भारतीय संविधान सभा का निर्माण, और संविधान सभा का निर्माण कैसा, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। ये संविधान जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 200 मानवे, ये भैया संविधान में हमने पढ़ाया है, कुछ ने नहीं पढ़ाया है तो हम संविधान पढ़ाए नींद वाली भाई साहब आर योनिंद बताओ। देखे ये चीजें आप बाद में पढ़ेंगे, इसमें 6 सदस्य यहां से जीत कर आए, ये हम आपको बताएंगे जब हम संविधान पढ़ा रहे होंगे। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने निर्णय कर लिया, अंग्रेजों ने वहां पर लंदन में सरकार बदल गई, चुनाव हुए, पार्टी बदल गई, सुन रहे हो? और नई पार्टी का प्रधानमंत्री आ गया, प्रधानमंत्री कौन सा आ गया? क्लीमेंट एटली। कौन आ गया? तो इनने निर्णय किया 20 फरवरी 1947 के हम 48 तक देश छोड़ करके, अरे निर्णय कब का हुआ? 48 का, सुन रहे हो? लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बनी कि 47 में ही अंग्रेज देश छोड़ करके, देखें इस पर सब लागू करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन बारसराय बनकर कहां आए? भारत। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान तैयार किया कि इस प्लान के अंतर्गत हम भारत छोड़ेंगे। प्लान क्या था? संविधान सभा का निर्माण तो हो चुका था, हमें भारत के दो टुकड़े करना है, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, ओके। और इन्हें उत्तरदायी सरकार सौंप करके जाना है, इसे कहा गया माउंटबेटन योजना। क्या कहा गया? अब देखें जरा, अब जो चीजें रह गई हैं, जो चीजें रह गई हैं, जैसे यहां देखें जरा, अब आते हैं कि जो चीजें हमने व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए और उनका क्रांतियों में योगदान था, ओके। जैसे यहां पर सबसे ज्यादा आता है चापेकर बंधु, नाम क्या आता है? आवाज नहीं आ रही है। चापेकर बंधुओं में दो नाम आते हैं, दामोदर चापेकर, चापेकर
और बाल कृष्ण छापेकर, हाँ या नो? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं और ये इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रेंड की पूना में क्या करी थी, हत्या। सुन रहे हो? ये दोनों ही अंग्रेज अधिकारी थे। ये दोनों कौन थे? आगे आते हैं विनायक दामोदर सावरकर, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, दो तीन चार बार इनका नाम आ चुका है। ये देखें अभिनव भारत की स्थापना करी इनने और महाराष्ट्र में क्या की, मित्र मेला, दो संगठनों के सदस्य थे ये। कौन कौन? अभिनव भारत, अभिनव भारत आवाज। आगे बढ़ते हैं पुलिंदास, क्या ये देखें अनुशीलन समिति, आपको याद हो अनुशीलन समिति तीन प्रकार की आई है, नहीं आई है, एक मदीनापुर की आई है, एक ढाका की आई है, नहीं आई है, तो यहां पर पुलिंदास कैसे संबंधित है और ये अनुशीलन समिति बहुत ज्यादा क्रांतिकारी, एक मित्र मेला और एक अनुशीलन समिति, ये बहुत ज्यादा क्रांतिकारी संगठन थे। अब देखें श्याम जी कृष्ण वर्मा, क्या कहा? इनका नाम आता है क्योंकि इनने लंदन में भारत के क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना करी, भारत के बाहर। नाम क्या था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं प्रफुल्ल चंद्र चाकी, प्रफुल्ल चाकी बोलते हैं इनको मान, और खुदीराम बोस, याद आयो? 1908 मुजफ्फरपुर बमकांड, कैनेडी की गाड़ी पर बम पटक दिया था इन्हें फांसी, प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर ली थी, याद है? और खुदीराम बोस को क्या हो गई थी, देखो 1908, हाँ या ना? मारना था किंग्स बोर्ड को, तो कैनेडी की गाड़ी पर धोखे से बम गिर गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन लाल ढींगरा, याद आया? इसने लाड हत्या करी थी 1916 में, जबकि 1940 में क्या करजन कौन की, डायल की, कौन ने? ऊधम सिंह ने। ओके, आगे राज बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल, क्लियर है? दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, सुन रहे हो? नहीं आ रही वास्तव में? आ रही है। और आगे बढ़े लाला हरदयाल व सोहन सिंह भकना, अमेरिका का सेंट फ्रांसिस्को, यहां पर इनने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। अध्यक्ष बने थे कौन? सोहन सिंह भकना, और महामंत्री बने थे लाला। ओके, चलिए जतिन दास, देखिए जरा, और आगे नाम था राम प्रसाद बिस्मिल का, तो आपको पता है इनने एचआरए की स्थापना करी थी 1924 में, 25 में किया था कागोरी कांड, याद है? 9 अगस्त 1900, अरे क्लियर है? और इन्हें फांसी दे दी गई थी। सूर्य सेन चटगांव षड्यंत्र केस, चंद्रशेखर आजाद, ये भी 1924 में भी शामिल थे 1928। ओके, और इनने कई क्रांतिकारी काम किए और अंत में अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो गई। ओके, राजगुरु का नाम कैसे सुना? सारेंडर हत्याकांड से, हाँ या ना? बड्डू केशव दत्त का नाम केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929। ओके, भगत सिंह का नाम काय कैसे जुड़ा है? सारेंडर हत्याकांड से जुड़ा है, बाद में असेंबली में बम फेंका 1929। और साथ पंजाब नौजवान सभा की स्थापना करी थी, उसी को कहते हैं भारत नौजवान सभा, याद आया कि नहीं? याद आया, आया है। और भी कई काम थे लेकिन इनमें मेन मेन नाम आए हैं। जतिन दास, याद है आपको? जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ऊधम सिंह का नाम याद आया? नहीं याद आया? आया है। 1940 में जनरल
दायर की हत्या कर दी। आगे अब देखो जरा, ये वही चीजें देखो जरा, देखो रेंड की हत्या, छापेकर बंधु, अलीपुर षडयंत्र केस, खुदीराम बोस, कर्नल वाइली हत्याकांड, मनननाथ ढींगरा, जैक्सन हत्याकांड याद करो, नासिक में अनंत कांड रहे, दिल्ली बम कांड, बसंत कुमार राजबिहारी, काकोरी टेंट की थी, राम प्रसाद बिस्मिल, सारंडर हत्याकांड, सरदार भगत सिंह, हाँ है ना, देखे जनरल डायर हत्याकांड, ऊधम सिंह, अब देखो भगत सिंह, अब उनका डिटेल आपको पहले से पता है। देखो जरा, बम फेंका, भगत सिंह में भगत सिंह की मुखबरी, फणेन्द्र घोष ने की अतरुष की हत्या कर दी। समझ में आ रही? देखो जरा अपनों की, हमने पहले कहा कि मुखबरियां कौन करते थे? अपने ही करते थे। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, इनने नारा दिया था इंकलाब जिंदा। ओके, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, ठीक है, और न्यायाधीश कौन थे? जेसी हिल्टन, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, इनका नाम पूरा नाम था मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, हाँ है ना? ये एक भारतीय क्रांतिकारी महिला थी। अब देखो जरा, मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1806 को हुआ था। इनके माता पिता पारसी थे, सौरभ जी प्रेम जी पटेल उनके पिता थे, ठीक है। इनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, अतः इनका पूरा नाम पड़ गया मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। सुन रहे हो? क्योंकि इनके पति का नाम क्या था? रुस्तम। ओके, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे, मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादाजी नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की है, यानी ये नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी बनकर रही हैं, और यही कारण है कि ये भी धीरे धीरे करके राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल। ओके, बात समझ में आ रही है? हमने जो आपको हिस्ट्री बना करके दी है, नोट्स बना करके दिए हैं, उसमें जो चीजें घटना आप आई से ठीक, नहीं तो हमने व्यक्तिगत रूप से उन्हें इंटरन किया है। देखें, आगे बढ़ते हैं, बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्ध लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1937 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा लहराया, और ये 3 रंगों का था, अतः पहली बार जो तिरंगा झंडा का स्वरूप आया वो भिकाजी रुस्तम कामा ने लहराया भारत के बाहर। सुन रहे हो? हालांकि ये बात अलग है कि वो तिरंगा और आज के तिरंगे में बहुत अंतर है, लेकिन वो भी तिरंगा कहलाता था, उसमें 3 रंग थे, और आज का झंडा भी क्या कहलाता है? तिरंगा। हालांकि दोनों की डिजाइन में थोड़ा सा फर्क था। सुन रहे हो? इसीलिए इन्हें भारतीय क्रांति की जनक या माता कहा जाता है, भिकाजी रुस्तम कामा। ओके, इन्होंने भारतीय क्रांति, भारतीय स्वाधीनता का स्वरूप रखने के लिए बाहर जर्मनी में जब वहां पर एक सम्मेलन हुआ, तो वहां पर भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया, जिनकी डिजाइन स्वयं तैयार की थी। यहां फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। भिकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी, उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया, जेनेवा में वंदे मातरम पत्रिका निकाली, 1975-74 की अवस्था में मुंबई लौटकर आई, और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की माता के रूप में प्रसिद्ध हुई, यानी भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है कि नहीं? ओके, तो इन्होंने पहली बार भारतीय तिरंगा को विदेश में कहा, जर्मनी में एक सम्मेलन में प्रदर्शित किया। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? चलिए, सुभाषचंद्र बोस, अब आता है नाम किनका? तो जितनी सारी कमियां रह गई थी वो अब हम यहां पढ़ेंगे सुभाषचंद्र बोस के बारे में। पक्का बोल रहे आप लोग? किसके बने सारे लोग? चलिए, सुभाष चंद्र बोस जन देशवासी नेताजी के नाम से पुकारते हैं। इन्हें नेताजी नाम दिया था हिटलर ने। कौन ने? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया में एक तानाशाह हुआ करता था, वो हालांकि अपने देश के लिए समर्पित था, नाम था हिटलर, और हिटलर से जब मिलने गए कौन? सुभाष चंद्र बोस।
तो हिटलर जैसे व्यक्ति ने कहा कि भारत में एक ही नेता है और वो है कौन? बाकी तो ये सब इब्बी बिब्बी है। क्यों ऐसा क्यों कहा हिटलर ने? हिटलर अपने आप में एक बहुत अड़ियल नेता था, उसे अड़ियल लोगों से और निर्णय पसंद लोगों से मिलना पसंद था। और ऐसा व्यक्ति से मात्र कौन लगा? सुभाष चंद्र। कौन लगा? बाकी सब अंग्रेजों से डरने वाले लगे, इसलिए उसने कहा कि नेताओं में तो एक ही नेता है, कौन? ओके देखें, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ। 19वीं से 24 वर्ष की आयु में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए, परंतु बाद में इन्होंने से इस्तीफा दे दिया। इन परीक्षा इसलिए पास की कि अंग्रेजों को यह बताया जा सके कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि तुम कितना ही अंग्रेजी में टेस्ट लो, लंदन जाके टेस्ट लो, लेकिन हम तुम्हारा कलेक्ट्री का टेस्ट पास कर सकते हैं। अतः इन्होंने टेस्ट निकाल लिया। असहयोग आंदोलन भाग लेने के कारण इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र। ओके देखो, 1920 में इन्होंने टेस्ट पास किया, तो चाहते तो कहा बन जाते? कलेक्टर। कहा बन जाते? लेकिन 1920 में कहा चल गया? असहयोग। सुनाई नहीं दिया? ओके देखिए, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं कि जिन्होंने जो करोड़ों रुपए का घाटा, चाहते तो उस समय का कलेक्टर, सुन रहे हो? लेकिन ठोकर मार ली। ठीक है, देखिए इन्होंने स्वराज दल के कौन से प्रदेशकारों का समर्थन किया? 1938 में इन्होंने कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में प्रथम बार अध्यक्ष चुना गया। कब? हाँ ना, 1938। कौन सा अधिवेशन? आवाज नहीं आ रही है? अब ये थोड़े गर्म मिजाज के थे, क्रांतिकारी थे, अतः नरम नल वालों को ये पसंद है। अरे क्लियर है? लेकिन इनके कार्य इतने बढ़िया थे कि 1939 में अगला अधिवेशन त्रिपुरी हुआ, फिर से यही सुन गए, जबकि महात्मा गांधी ने प्रपोजल रखा था किनका? पट्टा भी सीधा। महात्मा गांधी के प्रमोशन रखने के बाद भी पट्टाभी सीतारा भैया हार। ओके लेकिन कांग्रेस में प्रभुत्व कौन का था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी नहीं चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, अतः 1939 में अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा। ओके क्या दे दिया? अरे क्लियर है? उस समय भी नेताओं में, अब मंच से नहीं कहना चाहिए, लाइव क्लास चल रही है, तो अपन कहते ना आज नेताओं में ऐसे चीजें चल रही हैं, उस समय भी यही था कि हमारे चेला नेता ने, ठीक है, 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए दल की स्थापना की। जैसे ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो एक अपना एक अलग दल बना लिया, नाम क्या रखा? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम रखा? दो तीन महायुद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, उन्होंने कलकत्ता के लिए एल्गिन रोड से निवास बंद कर दिया गया, किंतु वे अवसर पाकर 1941 ईस्वी को एक बेस बना करके वहां से भाग गए, एक पठान का बेस बनाया और वहां से निकल गए। ठीक है, उनके साथी भगत राम ने 21 जनवरी 1941 को पुनः काबुल पहुंचा दिया। इसके बाद वे रूस जर्मनी में हिटलर से सहायता का वचन दिया। हिटलर ने उन्हें कहा कि हम तुम्हारी क्या करेंगे? मदद। मदद क्या चाहिए थी? कई सारे लोग, भारत के लोग जर्मनी में बंद थे, कई सैनिक बंद थे जो युद्ध बंदी थे, और कुछ पर्सनल बंदी थे जिन्हें अंत में या तो आजीवन कारावास काटना था या उन्हें क्या होनी थी? फांसी। तो अब सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से कहा कि ये जितने बंदी हैं ये आप हमें सौंप दो, इनकी सजाएं माफ कर दो, हमें अपने यहां स्वतंत्रता संग्राम लड़ना है। चूंकि हिटलर खुद ब्रिटेन से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, सुन रहे हो, तो ब्रिटेन की बर्बादी चाहता था, अतः उसने यह अनुमति दे दी। सारे साथियों से यह कहा सुभाष चंद्र बोस ने कि आखिर तुम्हें मरना है, अगर वतन के लिए मरोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इज्जत की मौत मिलेगी। तो जो सेना बनाई थी उनने, इनमें अक्सर करके लोग ऐसे थे जिन्हें लगा था कि हम तो मरा ही चुके, इसलिए इनकी युद्ध करने की जो पद्धति थी बड़ी खतरनाक थी, ये अपने आप को पहले ही मरा हुआ जान चुके थे। देखें आप, सहायता का वचन दिया, जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी की उपाधि से संबोधित किया। कहा की जनता ने?
इन्होंने सिंगापुर में एक आजाद हिंद सेना का गठन किया। याद रखिएगा, आजाद हिंद सेना का पुनर्गठन किया है कौन ने? अरे क्लियर है पक्का? जबकि इसका गठन किया है कैप्टन मोहन सिंह ने। सुन रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। जिसका उद्देश्य भारत को प्रतंत्रता से आजाद कराना था, वो इस सेना के क्या बने? सेनापति। और उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारा खून भी हो जाए, बलिदान भी हो जाए, आप इस बात का वचन दो, हम गारंटी लेते हैं कि हम तुम्हें आजादी देकर रहेंगे। ओके। देखें, इन्होंने सेना को संबोधित करते हुए प्रेरक नारा दिया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, चलो दिल्ली नहीं, दिल्ली चलो। ओके। ये टाइपराइटर की मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक नहीं है। दिल्ली चलो का नारा दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1930 के बाद सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के मध्य मतभेद बढ़ते गए। बड़ी बात, अध्यक्ष भी चुने गए, महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते थे, इनने कांग्रेस को लीव कर दिया। देखिए जरा, उन्होंने अनुभव किया कि कांग्रेस में समाजवादी तत्व कमजोर हो गए हैं, जब तक एक मंच पर संगठित नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें शुद्ध बात ये कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। क्लियर है? गांधी जी ने सुभाष का विरोध किया तथा उन्हें कांग्रेस के सभापति पद से त्याग पत्र देने का बात किया। जब बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तो महात्मा गांधी उनके समर्थकों ने इसे कांग्रेस को दुर्बल करने की दिशा में प्रथम प्रयास बताया। माने ये भी कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को दुर्बल बनाना चाहते हैं। सोचो तुम, प्रतिष्ठित किया जी। फॉरवर्ड ब्लॉक ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। सरकार ने संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा बोस के साथ इनके अन्य नेताओं को कैद कर लिया गया। ध्यान रखना, जिन नेताओं से, जिन संगठनों से अंग्रेजों को बहुत घाटा था, बहुत ज्यादा नुकसान था, उन्हें अंग्रेज आतंकवादी घोषित कर देते थे और उन्हें या तो फांसी दी जाती थी, उनका समूह नष्ट कर दिया जाता था। इसलिए आपने कहीं नहीं सुना होगा कि सरदार भगत सिंह का कहीं बंगला है। सुना है कहीं? 100 एकड़ जमीन सरदार भगत सिंह की सुनी है क्या? सुभाष चंद्र बोस की सुनी है? जितने क्रांतिकारी थे इनका रिकॉर्ड ही अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। जितने हजारों एकड़ जमीन वाले हैं, तो हम आपको पूरा इतिहास बढ़ा चुके हैं। तो किसी तरह से देश से चले गए, उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। अब आती है बेसिक बात आजाद हिंद फौज की। ओके? हम हर चीज को टारगेट करके लाए हैं, बिल्कुल आपको हर चीज की बात मिलेगी। आपको काय की बात ला रहे हैं? जोरदार आवाज, 1 सितंबर 1900। ये इसके संस्थापक हैं कैप्टन मोहन सिंह। ओके? स्थान कहां? मलाया। आदर्श भाग, एकता वफादारी हो बलिदान, एकता वफादारी हो बलिदान। चलिए, अब 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और अब इसमें शामिल हो गए। 43 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने। एक अलग संगठन बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। क्या आवाज नहीं आ रही है? 43 को आजाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा कर दी। अब ये एक्चुअली हो रहा है पुनर्गठन। क्या हो रहा है? इधर से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उधर से आजाद हिंद फौज, दोनों मिल गए हैं और 43 में फाइनली बन गई है आजाद हिंद फौज, जिसके सेनापति कौन बन रहे हैं? सुभाष चंद्र। ओके। 43 आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को प्रदान किया गया। मार्च गीत कदम कदम बढ़ाया, संगीत मगधगण श्रेय आई एन इसको दिया गया। सिपाही कैप्टन राम सिंह ठाकुर को चले। इसमें सिंगापुर की अस्थाई सरकार, सीधी बात यह है कि इस जो सेना थी, इसने अपने ही आप को सरकार घोषित कर लिया। कि सरकार कौन की नहीं है? अंग्रेजों की नहीं। सरकार कौन की है? हमारी। अस्थाई सरकार घोषित कर लिया, ठीक है ना? आप आन करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गुजरात में हरिपुर अधिवेशन में, त्रिपुरी के 39 के अधिवेशन में, बता चुके हम आपको, अपने अध्यक्ष की भाषा में कहा था, स्वाधीनता की राष्ट्रीय मांग एक निश्चित समय के अंदर पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा अवधि मांग पूरी न करने पर सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देना।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर दक्षिणपंथ सदस्यों को बहुमत था, अतः इनका विरोध हुआ और लोग ज्यादातर किसके उसमें थे, महात्मा गांधी के पक्ष में थे। अब देखो जरा आजाद हिंद फौज पर मुकदमा, जब आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक में दम कर लिया तो अब फिर वही बात, अंग्रेजों ने उन पर क्या किया, देशद्रोह का मुकदमा। क्या का मुकदमा? देखें जरा, लाल किले पर मुकदमा चला, आजाद हिंद फौज के सैनिकों व अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने 1945 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इस मुकदमे प्रथम ट्रायल में 3 मौके अभियुक्त आए, मेजर सहनवाज, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुलदयाल। क्लियर है? मुकदमा चला, मगर संपूर्ण राष्ट्र में विद्रोह की भावना बलक उठी और एक पूरे देश के विभिन्न संप्रदाय सांकेतिक एकता का प्रतीक बन गए। भारत के विभिन्न दलों कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया, इनकी रिहाई की मांग की। आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया गया। सरकार ने 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। इस निर्णय के विरोध में पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया आई। अंत में विवश होकर तत्कालीन वायसराय ब्रिटिश ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु दंड की सजा को माफ करना पड़ा। दूसरा, कितना प्रेशर रहा हुआ आजाद हिंद फौज का कि अंग्रेजों ने फांसी की सजा का कर दी माफ, नहीं तो पूरे इतिहास में अंग्रेजों ने कभी किसी की फांसी की सजा माफ। इतना प्रेशर बना दिया आजाद हिंद फौज ने कि अगर इन 3 को फांसी हुई तो कितने मरेंगे ये निश्चित नहीं। समझ में आ रही है? और अंग्रेजों के जो पैर हिल गए, सोचो तुम, एक कल्पना करो, जिस सरकार ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा और 3 को फांसी होने के बाद अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा होगा, अंग्रेज कितना दबाव महसूस कर रहे होंगे, कितना डर महसूस कर रहे होंगे कि अगर इन 3 को फांसी दी तो हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। डर के कारण अंग्रेजों ने फांसी का कर दी माफ और अब अंग्रेजों का वो समय आ गया। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत में नहीं है नौकरी, हम तो कहां जा रहे हैं, अपने घर, क्योंकि ये तरफ तो जो पूरे क्रांतिकारी पागल ले जा रहे हैं, बात करते नहीं, सीधे काम मार देते, गोली बात होती ही नहीं, सीधा मिले जेब से गोली निकाली और मार दी। अब एसपी जैसे नहीं बच रहे, पुलिस तो ठीक है, एसपी को मारने का डर नहीं, और इधर से आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज ने तो निर्णय ही कर लिया कि हम तो वैसे मरे मर आए हैं। ठीक है, चलिए अब आता है आजाद हिंद फौज का द्वितीय ट्रायल, विद्रोही व्यक्ति अब्दुल रशीद। चलिए, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सतगुरु और अनुआसफ अली, इनने कैलाशनाथ काजू, इनने केस लड़ा किसकी ओर से, आजाद हिंद फौज की। ओके, जवाहरलाल नेहरू, आजाद हिंद फौज का युद्ध घोष जय हिंद। जय हिंद भारत में प्रचलित एक देशभक्ति नारा है जिसका शाब्दिक अर्थ भारत माता की विजय। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी डॉक्टर चंपकर्णम पिल्लई द्वारा दिया गया था और एक बाद में बन गया आजाद हिंद फौज का नारा। कौन सा? जय। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, 41 जर्मनी के लिए छावनी में नेताजी से भारतीय संघ ने सम्मिलित किया था, जिसमें अंग्रेजों का पक्ष छोड़ आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। जर्मनी में रह रहे भारतीय विद्यार्थी आमिर हुसैन ने अपनी पढ़ाई छोड़ नेताजी के सेक्रेटरी का पद संभाला। हुसैन ने ही आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को आरती अभिवादन जय हिंद करने का सुझाव दिया कि जब भी आप एक दूसरे से मिले तो क्या कहें, जय हिंद। ओके, जय हिंद कहने से क्या होगा, एक दूसरे में उत्साह बढ़ेगा, देश की आजादी का उत्साह बढ़ेगा और जय हिंद कहने का मतलब कि हमारी भारत माता की जय। ओके, चलिए, इसके बाद 2 नवंबर 1947 को जय हिंद आजाद हिंद फौज का युद्ध घोष बना। यानी युद्ध घोष का मतलब कि आप युद्ध करने की स्थिति जब भी आएगी तो हम क्या करेंगे, जय हिंद। ओके, चलिए, आजाद भारत की प्रथम डाक टिकट पर जय हिंद शब्द लिखा हुआ था। आजाद भारत की पहली टिकट जब जारी हुई थी, भारत आजाद हो गया और पहली टिकट डाक टिकट जब जारी हुई तो इस पर लिखा हुआ था जय हिंद। ओके, चलिए, तो यहां पर ये जय हिंद का नारा, नारे की शुरुआत प्रेरणा निवासी भारतीय क्रांतिकारी जब इनका नाम आया पिल्लई द्वारा दिया, इनने दिया है। फिर एक अब स्टूडेंट आया है हुसैन, उसने कहा कि अपनी आजाद हिंद फौज का प्रचलन करो, उसने सुझाव दिया है तो बनाया इनने है,
और सुझाव दिया गौन ने राष्ट्रीय की राजधानी वीना में, फिर इसके बाद आए आजाद हिंद फौज। अब ये अलग अलग इन ब्रिगेड बना दी, आजाद हिंद फौज बहुत बड़ी सेना बन गई, सुन रहे हो। अतः इन्होंने अपनी अलग अलग टुकड़ियों के नाम रख दिए। नाम क्या? पुरुष सैन्य टीम, महिला सैन्य टीम, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, जीएस ढिल्लो ब्रिगेड, ऐसे नाम रख दिए। तो रानी झांसी ब्रिगेड प्रमुख सेनक। और इसके बारे में आजाद हिंद फौज के अंगरक्षकों का निधन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चालक व अंगरक्षक रहे कर्नल निजामुद्दीन उर्फ सैफुद्दीन का 6 फरवरी 1917 को भैया टाइप मिस्टेक है, ठीक है, इसको सुधार लेना आप। जिले के तमसा नदी किनारे इनका निधन हो गया। ये बहुत बड़ी कहानी है, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। हमने आपको मेन तौर पर बता दिया कि आजाद हिंद फौज क्या था, वांटेड सुधार लेना आप, ठीक है। 1917 एक मिनट मालिक, अब इनकी आयु देख रहे हैं आप, स्पष्ट लगी 17 वर्ष है, कितनी है, इसलिए 2017 ये, ठीक है, सही है। इस समय तो आजाद हिंद फौज का गठन भी नहीं हुआ था जब 1917 में, चलिए ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहां पर आता है एक ग्रुप आता है, अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का योगदान, कौन का पढ़ेंगे, क्लियर है। अब महात्मा गांधी बनेंगे और महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी योगदान रहे, जितने भी आंदोलन रहे, हम उन्हें बनेंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए देखें आप। महात्मा गांधी नाम क्या था, आवाज नहीं आ रही है, क्लियर है, ठीक। आगे पढ़ते हैं, पिता का नाम, अब ये तो निबंध पढ़ा मैंने खूब, अब उन को वो चीजें बनना जो आपके एग्जाम में, हाँ या ना, बोल रहे आप लोग, अपन मुद्दे की बात पर आते हैं, उनको निबंध नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए मेरा राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित नाम है, वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड, एक्चुअली इनका नाम फुकन नाम दे दिया महात्मा गांधी ने, कहा मीराबेन, क्या कहा, चलिए। कानून की पढ़ाई करने के लिए कहां गए, इंग्लैंड 1888 में। कानून की बैरिस्टर की डिग्री इनको मिली 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में ये चले गए अफ्रीका। अभी अफ्रीका क्यों गए, अब सुन लो जरा कोई बात, अब्दुल्ला एक सेठ का नाम है, उस समय दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था, दक्षिण अफ्रीका में कौन का शासन था, तो वहां पर अब्दुल्ला सेठ का कोई केस लगा होगा, कोई व्यापार रहा होगा, वकील मिल नहीं रहे थे और इनकी भी वकालत चल नहीं रही थी, कौन की, महात्मा गांधी की वकालत भी नहीं चल रही, शुरू शुरू में दिक्कत थी, पता चला कि कोई केस नहीं मिल रहा, तो अब्दुल्ला सेठ ने कहा कि भैया मित्र पैसा दे रहे, लेकिन तुम्हें एक साल लगेगा हमारा मुकदमा लड़ने में, तो आप पूरा जब तक हमारा मुकदमा निपट ना जाए तब तक आप वहां से आएंगे नहीं। उन्होंने कहा हम वचन देते हैं कि आपका पूरा मुकदमा लड़के हम आएंगे, थोड़े से पैसे मिले, ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब चूंकि भारतीयों को देखा जाता था हे दृष्टि से, अतः बहुत ज्यादा अपमान हुआ इनका, कौन का, दक्षिण अफ्रीका में कहीं ट्रेन में अपमान हुआ, कहीं सामान फेंक दिया गया, ऊंची जगह पर बैठने नहीं दिया जाता, सुन रहे हो। वो आज आप कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं जातिवाद समाजवाद, भैया ये कुछ भी हो, जब जिस चीज का बाहुल्य होता है वो हमेशा अपने आप को ऊंचा समझने लगता है, जो वहां पर माइनॉरिटी हो जाती है उसे लोग हे दृष्टि से देखने लगते हैं, ये हमेशा सिद्धांत रहा है। अंग्रेज और भारतीयों में देखो तो अंग्रेज अपने आप को ऊंचा समझ रहे थे, भारतीयों को कुत्ते की दृष्टि से देखा जाता था, उनके कुत्ते की औकात, और वो समझते थे भारतीय एक बराबर है, ओके, हम थक गए हैं, चले। दक्षिण अफ्रीका में दिल्ली गौर पदक ये छोड़े, केसर हिंद की उपाधि मिली 9 जनवरी 1900 क्यों मिली,
जो 1915 में आए भारत लौटकर, कहां आए? 1915 में आ गए, 1914 में चल गया था प्रथम विश्व युद्ध। क्या चल गया था? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन शामिल था, अतः ब्रिटेन को सैनिकों की आवश्यकता थी। अतः महात्मा गांधी जब लौट करके आए तो इनने जनता से खूब आह्वान किया कि सेना में भर्ती हो, तो लोग महात्मा गांधी के कहने पर सेना में भर्ती हो गए। महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया कि अगर हम अंग्रेजों की मदद करेंगे तो बाद में अंग्रेज हमारी मदद करेंगे। अतः कई लोगों ने, कई क्रांतिकारियों ने इन्हें भर्ती कराने वाला एजेंट, या हिंदी में कहें तो दलाल, कहा भर्ती कराने वाला एजेंट, सुन रहे हो? क्या कहा? और अंग्रेज लगाते थे अपने साथ सर, सर एजेंट, इकट्ठा हो गया सार्जेंट। क्या हो गया? पक्का? और इसकी सैलरी जरूर सार्जेंट हो गया। अब लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, अंग्रेज युद्ध जीत गए, दो तीन वर्षों में समाप्त हो गया, उनने भारतीयों की वही औकात कर दी जहां से वो जैसी करते थे। समझ में आ रही बात? लेकिन महात्मा गांधी की देखिए आगे, इन्हें जब अंग्रेजों, भारतीय लोगों को भर्ती कराया, कौन ने? महात्मा गांधी। तो अंग्रेजों ने कहा कि वाह यार, बहुत बढ़िया, आप तो हिंद के केसर हो। उपाधि का मिल गई, केसर हिंद। सुन रहे हो? क्या मिली? ओके, क्योंकि इन अंग्रेजों का क्या किया? साथ। चलिए आगे बढ़े, कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार 1901 ईस्वी में कलकत्ता में शामिल हुए, अफ्रीका में आश्रम की स्थापना करी। जब अफ्रीका में थे 1904 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लौट कर कब आए हैं? पक्का? तो इनकी राजनीति वहीं अफ्रीका से शुरू हो गई। इनने वहां पर डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। भारत इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वहां वहीं किया। कहां पर? दक्षिण। आवाज नहीं आ रही है? और इनके सत्याग्रह का मतलब क्या था? अहिंसा का प्रयोग करते हुए अपने अधिकारों की मांग करना ही सत्याग्रह है। सुन रहे हो? हिंसा होना नहीं चाहिए, और सरकार से अपने अधिकारों की मांग करना, अपने अधिकारों की, सुन रहे हो? सत्याग्रह है। तो इन सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया? चलिए, जेल का जीवन अनुभव 1908 ईस्वी में, टॉल स्टॉफ होम की स्थापना, अब महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915। 1915 में जैसे ही भारत आए, इनने लोगों से कहा सेना में भर्ती हो, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों ने उपाधि दे दी, कौन सी? ओके, अब भारत जब आए तो सबसे पहले वही अपने गुजरात के रहने वाले थे, अतः आते ही साथ इनने एक आश्रम की स्थापना कर दी। नाम क्या रखा? आवाज नहीं आ रही है? कांग्रेस अधिवेशन में 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की ने अध्यक्षता की। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे 21 वर्ष। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनने खुद की आत्मकथा लिखी है, और नाम क्या है पुस्तक का? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इनने की 1900। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1900। इनकी पुस्तकें देखो जरा कौन कौन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अभी पढ़ते रहिएगा आप। प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पॉम्पलेट, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में निकाला, यंग इंडिया और हरिजन, ये दोनों निकाले इंडिया में। कौन कौन? यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन, आवाज नहीं आ रही है? यंग इंडिया और हरिजन। पक्का? अच्छा, अंग्रेज जिन जातियों को दलित कहते थे, उन्हें महात्मा गांधी ने पहली बार शब्द इस्तेमाल किया हरिजन। क्या शब्द इस्तेमाल किया? ओके, चलिए अब महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। नंबर एक, केसर हिंद।
भर्ती करने वाला सार्जेंट, चलिए भंगी श्रोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, सुन रहे हो, दक्षिण अफ्रीका के लोग इसे क्या कहते थे, भंगी श्रोमणि। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज थे मजिस्ट्रेट थे वो इन्हें बैरिस्टर ना कहकर क्या कहते थे, कुली बैरिस्टर। क्या? क्योंकि इनका सामान उठाने के लिए भी इन्हें कोई कुली नहीं मिलता था, अतः ये अपना सामान खोद, अतः वहां के लोग इन्हें कहते थे कुली बैरिस्टर। क्या कहते थे? अच्छा, अब उनके जो सहयोगी थे दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के, वो कहते थे कर्मवीर सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा कहा गया। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर मलंग बाबा कवालियों द्वारा, बापू सी एफ एंड्रूस व पक्का सी एफ एंड्रूस और नेहरू, इन दोनों ने क्या कहा, पक्का? अरे क्लियर है, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, ये चर्चिल जो है वहां का प्रधानमंत्री है इंग्लैंड का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, ये क्या है, देशद्रोही, देशद्रोही फकीर है, भिखारियों का राजा मदन मोहन लाल, राष्ट्रपिता ओके, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, सुन रहे हो, पक्का? इंग्लैंड में जो खबर पहुंची कि एक भारत में डुकरा है, बहुत उपद्रव मचाए हैं, अब उस वक्त फेसबुक तो चलती नहीं थी कि खबर पहुंच जाए फोटो पहुंच जाए, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जरा हमसे मिलवाओ, मिलवाओ जरा हमसे। अब वहां पर भेजा गया, जे गए, अब जब जे गए तो वहां चैम्बर में गए, सजी हुई धोती घुटनों के ऊपर और ऊपर एक, अब विंस्टन चर्चिल ने आजू बाजू देखा कि भाई होगा कोई, तो उसका आया होगा कोई खबर पहने, बोले वो कहाँ है जिससे हमें मिलना है, वही तो है, तो उन्होंने कहा अरे इससे मिलने यार, बताओ वहां से खर्चा लगा हुआ यहां तक, बोले यही तो अंदर मचा के रखा है, बोले ये तो अर्धनंगा फकीर है, उसी समय उसने कहा था ये अर्धनंगा फकीर है। ओके, तो उस समय कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने चर्चिल से कहा कि साध्य तो मात्र एक डेमोस्ट्रेशन है, तो मात्र एक मान के चले अपन कि ये डेमो है, और सोचो तुम कि ये अधनंगा है, और जो पूरे कपड़े तुम अपनी नाक में दम कर रहे हैं, जो किसी की गोलियां मार रहे हैं, ये तो केवल बात करता है, तुम इतने लगे और हम लोग वहां गोलियां बजा रहे हैं सामना, देखें उपाधि बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, देखो जरा क्या लिखा, वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी एक प्रकार की बाउंड्री है, महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ, चलिए देखें जरा राष्ट्रपिता किसने कहा था, आवाज नहीं आ रही है, ओके बापू से ये संबोधन पढ़ा चुके हैं, अब आप पढ़ते रहिएगा, ये लिस्टेड है वहां पर, हमने डायरेक्ट पढ़ाया था, है ना, चलिए इसको आप पढ़िएगा। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम दक्षिण अफ्रीका में, फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में, साबरमती आश्रम 1915, सत्याग्रह आश्रम 1915 अहमदाबाद, अनाशक्ति आश्रम कोशानी उत्तराखंड, सेवाग्राम आश्रम वर्धा में, ओके। अब महात्मा गांधी के आंदोलन व सत्याग्रह हमने देखी है, आपको पढ़ाई है, उसमें अब महात्मा गांधी का योगदान हमने अलग से डाला है, ओके बोल तो नहीं हो रहा आप लोग, इसमें कई सारी चीजें रिपीट भी हो रही है, ओके अब किनका योगदान पढ़ना बन गो, पक्का? चलिए एक मिनट पानी पीकर के आ रहे हैं, फिर इसके आगे हम बात कर रहे हैं।
मूड वार गया हम चलिए महात्मा गांधी के आंदोलन और सत्याग्रह ठीक है। अब देखिए सबसे पहला आता है चंपारण सत्याग्रह 1915 में वापस आए हैं 1915 में क्या आए हैं। अब इनने पहला सत्याग्रह का उपयोग तो कर दिया था कहां दक्षिण अफ्रीका में कहां। अतः यदि प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया तो वो किया था अफ्रीका में जोरदार आवाज yes, लेकिन भारत में कहां किया था चंपारण क्या चंपारण। याद आया आपको yes, यहां पर अंग्रेजों के टैक्स और तीन कठिया प्रथा yes, याद है yes, तीन बटे बीस हमने कहा था आपको 20 लाख हो गए तीन कठिया yes, भारत पर नील की खेती के लिए सत्य नील की खेती के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था इसके विरुद्ध एक आंदोलन किया गया। आंदोलन के नेता कौन बने महात्मा गांधी चूंकि स्थान का नाम था चंपारण क्या नाम था अतः इसे कहा गया चंपारण आंदोलन क्या कहा गया अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1900 यहां पर मजदूरों के साथ शोषण हो रहा था तनख्वाहें कम दी जा रही थी कई बार नहीं दी जा रही थी ओके अतः इन्हें भूख हड़ताल का पहला प्रयोग भूख हड़ताल को कहा गया अहमदाबाद कहा गया पहली भूख हड़ताल अलग अलग क्वेश्चन है मन नहीं लग रहा नहीं लग रहा है जो लोग पढ़ने वाले हैं वो बढ़िया माहौल बनाए ओके तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह अफ्रीका में भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण 1900 ओके तो पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पक्ष में ओके खेड़ा सत्याग्रह 1900 सुनाई नहीं दियो एक और किया खेड़ा सत्याग्रह 1918 ओके खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन हम बता चुके नहीं बताया अरे बोलो रे बताया है कब हुआ था 1919 ओके 1920 में आता आएगा असहयोग आंदोलन नहीं आएगा 30 में आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं आएगा 1942 में आएगा भारत छोड़ो देखें असहयोग आंदोलन 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900 व्यक्तिगत सत्याग्रह 1900 अरे क्लियर है और भारत छोड़ो आंदोलन 1900 इसी का दूसरा नाम है अगस्त क्रांति क्या नाम है क्लियर है। अब महात्मा गांधी के प्रमुख तत्व 1900 के महात्मा गांधी अब्दुल रशीद के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए नहीं बताया हमने ईमानदारी से बताइए बताया है या नहीं बताया है। चलिए 1915 में महात्मा गांधी भारत आए प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था भारतीयों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया नहीं बताया अरे बोलो अतः उन्हें भर्ती कराने वाला सर एजेंट सर्जेंट अंग्रेजी सरकार की सहायता करने के कारण सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया 16 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना की ये भैया 15-16 के दरमियान माना जाता है काय के दरमियान अरे क्लियर है आगे बढ़े सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था परंतु भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग पक्का नहीं बताया हमने अरे बताया है देखें चंपारण आंदोलन 17 में प्रयोग किया इस अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गांधी द्वारा पहला भूख हड़ताल 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर 1919 में कांग्रेस के सदस्य बन गए 18 में खेड़ा गांव कर नहीं आंदोलन कौन सा आंदोलन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी कौन सी उपाधि
ओके गांधी जी के मात्र एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने कौन से 1924 बेलगांव ओके नहीं बढ़ाया नहीं बढ़ाया है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी। अब आया सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह अवधि 1917 चंपारण सत्याग्रह। कारण क्या था? एक समझौते के अंतर्गत बागान मालिकों ने 3/20 बार तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत नील की खेती करने का। हमने हर चीज को सेपरेटली डाला है बिल्कुल, आपकी कोई जानकारी रहना जाए ठीक है। देखें इसे तीन कठिया पद्धति कहा जाता था। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी इसमें शामिल हुए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी से यह आंदोलन करने का आग्रह किसने किया? कौन ने? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के चंपारण आंदोलन करने का आग्रह किसने किया? अवैध वसूली का 25 बंद करने के लिए सहमति। महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था। महात्मा गांधी के सफल सत्य चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। काहे की उपाधि? क्यों? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया और अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ी। कौन सी प्रथा? ओके नहीं बनेगा, आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन 1918 बोनस को लेकर था। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। भारत में होने वाली महात्मा गांधी की प्रथम भूख हड़ताल थी। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का निर्णय दिया, यानी ये भी सक्सेस हो गई। चलिए आंदोलन खेड़ा खेड़ा 1918 फसल नष्ट हो जाने के कारण भी सरकार लगान वसूल कर रही थी। महात्मा गांधी यहाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ पहुंचे और किसानों से लगान न देने को कहा। सरकार ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आगे बढ़ होकर यह आदेश दिया कि लगान की वसूली केवल समर्थ किसानों से की जाएगी, जो गरीब किसान है उनसे। अतः यह आंदोलन भी सक्सेस हो गया, खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अरे क्लियर है? पक्का? और आगे बढ़े। खेड़ा में ही महात्मा गांधी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह को शुरू किया। तो याद रखना खेड़ा आंदोलन पहला किसान आंदोलन था। अगर बोले अब कितने प्रकार के क्वेश्चन बने, पहला सत्याग्रह दक्षिणा में, भारत का पहला सत्याग्रह चंपारण है ना, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद, पहला किसान आंदोलन खेड़ा। ओके रोलेडेक्ट, अब ये सबको पता है यार, 8 मार्च 1919 प्रसार का रोलेडेक्ट गया, किसी भी संदेश पर देखो जरा ये सारा आपको पता है। 30 मार्च 1919 को भारत में सत्याग्रह दिवस मनाया गया, ये सारा बहा चुके वहां पढ़ते रहेगा। ये कौन सा सत्याग्रह है? खिलाफत आंदोलन भी मैंने बताया है। तो 1919 में अंग्रेजी सरकार ने तुर्की में खलीफा को हटा दिया, अतः पूरी दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों के से छिड़ गए और एक आंदोलन चलाया। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। कौन सा चलाया? चलिए अब आप असहयोग आंदोलन सुन रहे हो। 1920 से चला 1922 तक, 20 में शुरू हुआ महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920, ध्यान रखना भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त। क्या? अरे क्लियर है? देखे आंदोलन शुरू किया, 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया और कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए पलक स्वराज फंड स्थापित किया गया। 6 माह के अंदर ही 1 करोड़ एकत्रित हो गए। असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया केसर हिंद पुरस्कार लौटा दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन के पहले हो गया था क्या? जलियांवाला। हाँ या ना? अतः केसर हिंद की बाजी लौटा चुके थे। देखें इस आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली को सर्वप्रथम गिरफ्तार, मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाद में मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट इनसे खफा हो गए। कौन से? महात्मा गांधी। ओके असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा जन आंदोलन था। सत्याग्रह छोरा छोरी हत्याकांड पता है आपको? 5 फरवरी 1900 नहीं पता है, चलो बाउंस कर देते हैं। इस आंदोलन के कारण सरकार ने 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया गया, 10 मार्च को
गांधी जी गिरफ्तार, 6 वर्ष का कारावास, अंत में ने छोड़ दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 में आंदोलन शुरू हुआ। याद 12 मार्च 1900 दांडी मार्च निकला, 6 अप्रैल को शुरू हो गया, 31 में समझौता हो गया, नहीं हो गया, कौन से एडमिन के साथ, कौन के साथ? देखो नमक कानून तोड़ा, सरकारी सेवाओं, सरकारी शिक्षा व्यवस्था, शराब दुकानों, अभिन्न दुकानों पर धरना दिया। और यहाँ पर 12 मार्च 1920 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम पे यहाँ पर पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके कानून तोड़ा। और यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। चलिए सत्याग्रह गोलमेज सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन। अब देखो बड़ा, हमने आपसे कहा था कि गोलमेज सम्मेलन, अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो हम तुम्हें साल में एक बार लंदन बुलाएंगे, वहां पर आप अपनी समस्या को रखना, वहां पर आप अपनी समस्या को। चूंकि अधिकारी बैठते थे गोलमेज पर, अतः इसका नाम पड़ा गोलमेज सम्मेलन। क्या पड़ा? ये 3 बार हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला देखो, अवधि 12 से 19 नवंबर 1930, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1900 याद रखो, सन याद रखो, 1900। भारत की संवैधानिक समस्या को समाप्त करने के लिए लंदन में प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखो देखो, उस समय कौन था प्रधानमंत्री? मैकडोनाल्ड। कौन था? अरे क्लियर है, सम्मेलन, इस सम्मेलन में कुल 1859 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेष कांग्रेस में सम्मेलन में भाग न लेने के कारण कोई निर्णय नहीं निकल सका, कांग्रेस का सम्मेलन में हिस्सा न लेना था। अब पहले के सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कोई नहीं गया, सुन रहे हो? क्योंकि कांग्रेस वाले समझ गए कि आडंबर है और लंदन तक जाना व्यर्थ है। ओके, अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन द्वितीय, 1931 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी, सुन रहे हो? अभी क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि अभी हो गया है गांधी इरविन समझौता। क्या हो गया है? क्या हो गया है? अतः ये चले गए राजपुर नाम जहाज से पहुंचे, सरोजनी नायडू एजुकेशन मंत्री मोहन मालवीय व्यक्तिगत तौर पर पहुंचे, ये पर्सनली रूप से गए, कांग्रेस की ओर से नहीं गए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल हो गया, क्योंकि आपको याद हो सांप्रदायिक समस्या के कारण क्यों? एक तरफ कांग्रेस बात कर रही थी भारत की, तो वहीं पर दलितों का मैटर अलग था, मुसलमानों का मैटर अलग था, सिखों का मैटर, अतः भारत की बात कोई नहीं कर रहा था, सब कर रहे थे अपनी अपनी जाति की बात। वो जातिवाद के कारण यानी सांप्रदायिक बात के कारण दूसरा भी निर्णय असफल हो गया, कोई सार नहीं। पहला सार इसलिए नहीं निकला क्योंकि कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, दूसरा इसलिए फेल हो गया 1931 का क्योंकि यहां पर सांप्रदायिक बात आ गई। हाँ या ना? अब आ गया तृतीय सम्मेलन 1932, वो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, यह सम्मेलन भी बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले दूसरे और तीसरे तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। कौन ने? अरे क्लियर है। चलिए गांधी इरविन समझौता सबको पता है कि जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आई तो अंग्रेजी सरकार 1931 में डर गई और उन्होंने कहा कि भैया कुछ निर्णय कर लेते हैं, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दो और हम तुम्हारे राजनीतिक बंदियों को छोड़ दे रहे हैं, कुछ आंदोलन करने की हम छूट नहीं दे रहे आपको। देखिए जरा 5 मार्च 1931 मुख्य बिंदु क्या थे? उन सभी बंदियों को रिहा किया जाए जिन पर मुकदमा नहीं है, राजनीतिक बंदियों पर लगाया गया जुर्माना समाप्त होगा, छीनी संपत्ति बाबू। देखो बड़ा, ये आ गया शब्द छीनी संपत्ति, यानी अंग्रेजी सरकार उन व्यक्तियों को फांसी तो देती ही थी साथ में उनकी संपत्ति भी का गल लेती थी जब्त। इसलिए जो इंपोर्टेंट क्रांतिकारी थे, जो रियल क्रांतिकारी थे, उनके पास रहने को घर भी नहीं बचा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दुकान पर शांति मुठभंडा जाना, ये सभी बता चुके। एलन कैम्बल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा,
कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी एवं समझौते की पुष्टि कर दी गई। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा माना। पूना समझौता, अब ये पूना समझौता 1932 का है और ये है महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच। कौन कौन के बीच? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर एक तरफ में केवल दलितों की बात रख रहे थे और दोनों के बीच में कमिटमेंट हुआ कि हम सांप्रदायिक रूप से नहीं बल्कि भारत की बात रखें। देखो बड़ा यहां पर 1932 महात्मा गांधी और दलित नेता बी आर अम्बेडकर के मध्य मदन मोहन मालवीय श्री राजगोपालाचारी राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से पूर्ण समझौता हुआ। दलित वर्ग के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया और आरक्षण की बात आ गई। प्रांत विधानमंडल दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसे भी अपन पढ़ चुके हैं। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह बने थे आचार्य विनोबा भावे, हायाना, एक बने थे शायद ब्रह्मदत्त और एक बने थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अफ्रीका के महात्मा गांधी ने प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह पामनार महाराष्ट्र में शुरू किया गया। प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब पढ़ चुके यार अपन। भी पढ़ा है 9 अगस्त 1942 को शुरू हो गया ऑपरेशन श्रीनगर के अंतर्गत महात्मा गांधी मौलाना का इनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी से संबंधित स्थल ठीक है, पोरबंदर, गंदिया, मणिभवन, अब चंपारण, फिर वही दांडी शहर, सेवाग्राम, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखो नहीं पढ़ाया, देखिए जो चीजें वहां थोड़ी सी रह गई थी तो हमने सेटल कर दी आपको पर्सनल रूप से। सुभाष चंद्र बोस का हमने आपको पर्सनली पढ़ा दिया, महात्मा गांधी का पर्सनली पढ़ा दिया। अच्छा टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छा चल रही है। कल आप तैयारी करिए, परसों हम 8:30 से 10:30 तक हम आपको टेस्ट सॉल्व कराएंगे। लगभग 400 क्वेश्चन की हम लीड लेंगे क्वेश्चन, लेकिन पहले 2-3 दिन क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम हो पाएगी, इसके बाद संख्या बढ़ेगी क्योंकि पहले डिस्क्रिप्शन ज्यादा रहता है बाद में कम रहता है। तो मजदूर संगठन अभी थोड़ा सा बात कर, थोड़ा सा याद कर लेना आप जो बंबई में हैं ठीक है, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इनको ज्यादातर एग्जाम में आते नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जरा विभिन्न सत्याग्रह एवं सत्य पूर्ण मांगे, फिर देखो वही बातें आती है। चंपारण सत्याग्रह को नहीं पढ़ाया हमने, चलो आगे आगे अहमदाबाद सत्याग्रह नहीं पढ़ाया, चलो आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, रोलेडेट सत्याग्रह, इसमें 2-3 चीजें जो है कुछ आपको आएंगी जो आप पढ़ दे रहना और यहाँ पर ये महात्मा गांधी वाला चैप्टर होता है खत्म। क्लियर है? बताइए जरा। चलिए इसके बाद अब आता है शिक्षा और समाचार पर। क्या आता है? अब जरा देखो शिक्षा और समाचार छोड़ के बाकी सारी चीजें रिवीजन वाली है। जरा देखो नोट्स देखो आप, नोट्स देखो आप बेटा, एक बात याद रखना मजाक के मोड में नहीं। हाँ देखें शिक्षा और समाचार पत्र हमें पढ़ना है, इसके बाद अंग्रेजों ने कौन कौन सी समितियां बनाई शिक्षा से संबंधित वो, और ये जब चैप्टर खत्म होता है तो आप देखें आप अगले पन्ने पर देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। हाँ या ना? इनमें आपको याद हो जितने लोग आते गए उनकी कुछ पुस्तकें हम आपको पढ़ाते गए हैं, कुछ नहीं आएंगी नहीं, ये अपन को पढ़ना है। हालांकि ये रीडिंग बस करा सकते हैं, रटना आपको है एक बात। दूसरी बात, भारत के महान स्वाधीनता सेनानी अब देखो इनकी लिस्ट है, एक उन लिस्ट कैसी है 1857 से लेकर 1947 तक जितने आदमी आए, हाँ ना, चाहे वो तात्या टोपे हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, फिर बाद वाले भरत सिंह हो, उनकी लिस्ट आई है और उनने क्या काम करे। देखो आप ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। देखो प्रफुल्ल चाकी का नाम आया है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आया है, स्वामी विवेकानंद का नाम आया है, हाँ है ना? बोलो यार, थक गए हो?
पहला पन्ना पलटो, लिखा है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, और ये भी एक रिवीजन है बिल्कुल शुरुआत से लेकर के आज तक। देखो आप 6000 में क्या हुआ, 1000 में क्या हुआ, ये ईसा पूर्व वाला मैटर, देखो हेडिंग ना लिए ईसा पूर्व है ना, फिर आगे अपन कहा ईसी, पूरी रीडिंग है और ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये केवल और केवल आप ही को रिवीजन करना है, यानी कल हमारा चैप्टर केवल बच किसका है, शिक्षा वाले वाले सुन रहे हो, शिक्षा की समितियां। और अब आप कल किसके बढ़ो, आप कल आपके पास दिन है एक पूरा चैम्बर है, भाग एक कौन सा है, आपको ये मान के चलना है कि हमारा टेस्ट फाइनल है, कोशिश ये करना है कि आप एक एक लाइन घोट के पी आओ बिल्कुल। क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के साथ साथ उसको पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाए, समझ में आ रही बात। अगर आपने यहां ये मेहनत कर ली तो आप फाइनल टेस्ट निकाल लोगे। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, हमारा अगला जीके का चैप्टर होगा क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके एक मिनट जरा रुकना, हमारा बैग लाना यार, बैग लाना हमारा बैग। लाल रिश्ते देखो जरा उसमें, देखें अभी हमने जो आपका न्यू बैच का जो प्रोग्राम बनाया है, अभी हमने आपको भारत का भूगोल सॉरी भारत का इतिहास पढ़ाया है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे विश्व का इतिहास। इसमें आपका आएगा विश्व में जितनी क्रांतियां हुई, जैसे अमेरिका की क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फिर आपका कई धर्मों का जो पुनर्जागरण काल है वो पुनर्जागरण काल आएगा, लोग अवेयर हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध आएगा, प्रथम विश्व के बाद द्वितीय विश्व युद्ध आएगा। ये हो गया आपका हिस्ट्री वर्ल्ड लेवल की। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से ही जुड़ा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आ जाएगा आपके अंतरराष्ट्रीय लेवल के संगठन, यानी हम कहें यूएनओ, सुन रहे हो, इसमें अलग अलग देशों के संगठन बनेंगे, कुछ पेट्रोल को लेकर, कुछ कपड़ा के व्यापार को लेकर, कुछ हवाई जहाजों को लेकर, कुछ अंतरराष्ट्रीय लेवल की पुलिस है, अंतरराष्ट्रीय लेवल के पत्रकार हैं, समाचार पत्र हैं, पुरस्कार हैं, हाँ या ना। सो आपका हम ये लेकर के चलेंगे और अगला चैप्टर हम लेके चलेंगे फिर आपका साइंस, क्योंकि साइंस में इस बार और बारी क्वेश्चन आना है। अभी तक क्या था कि क्वेश्चन आपके उतने ज्यादा नहीं आ रहे थे, अब क्वेश्चन बहुत बारीक आएंगे और आप कई बच्चे पढ़ चुके हैं साइंस पढ़ चुके हैं, ठीक है साइंस 8 दिन में कंप्लीट हो जाती है एक एक चैम्बर, लेकिन इसके 2000 क्वेश्चन जरूर लगाना, एक एक धातुओं के बारे में, एक एक धातुओं के बारे में, आपके शरीर विटामिन ए के बारे में, बी के बारे में, जितने क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो हम अगला टारगेट रखेंगे साइंस और साइंस के तीनों टॉपिक, फिर साइंस के बाद हम रखेंगे भूगोल, विश्व भूगोल, फिर भारत का भूगोल। ओके फिर हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, पुराने लोगों को पढ़ा चुके हैं लेकिन जो नए लोग आए हैं फिर उनका पुराने लोगों का रिवीजन हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे संविधान, हिंदी को हम एडजस्ट करेंगे गणित की जगह, तो आपका सेपरेट पीरियड बन जाएगा काय का, हिंदी का। और फिर जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो उसी समय हम आपको पढ़ाएंगे 8 दिन के अंदर मध्य प्रदेश। ओके चलिए ठीक है निकल जाइए, कितना बज गया 10। टेस्ट की तैयारी में बहुत ही अच्छी तैयारी आएगा, ठीक है, हमें टेस्ट पढ़ाने में एकदम मजा आ जाना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए। ओके ऑलरेडी बोर हो तो पहले से बता देना, जो हम उसको अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट अलग कर देंगे, टेस्ट पढ़ना है तो बढ़िया मजा आना चाहिए। ओके
क्या हो रहा अपना